एक शक्ति समागम का कार्यक्रम नागौर में आयोजित हो रहा है, उसके संबंध में आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यहाँ सभी विराजित मातृ शक्ति का परिचय करवाने के लिए मैं आमंत्रित करूँगा प्रेरणा जी, आप उन सबका परिचय करें। सबसे पहले स्वयं नमस्ते, प्रेरणा जी शर्मा, नागौर जिला, जिला विस्तारित। हमारे मध्य उपस्थित है दीदी मधु जी सोने। मधु जी नागौर विभाग में विभाग कार्यवाही का है, राष्ट्रीय सेविका समिति में। दीदी के पास उपस्थित है वंदना जी सोनी, आप नागौर जिला के जिला संपर्क प्रमुख हैं। दीदी इंदुजी चौधरी, दीदी नागौर जिला के जिला कार्यवाही का है। सुधा जी, दीदी भारतीय विकास परिषद के महिला सदस्य है। कृष्णा जी गोड, दीदी नागौर विभाग में विभाग की विस्तारिका है। अब मैं श्रीमती इंदु जी चौधरी से निवेदन करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम की रूपरेखा का सर्वविदित है, अपन सभी जानते हैं। नारी का जो स्थान है सदैव भारत में सदैव पूजनीय रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों और इन समस्याओं को देखते हुए केंद्र से जो योजना चल रही है कि महिलाओं को कैसे, मतलब महिलाओं की सहभागिता तो सभी कार्य में है, लेकिन उसके बावजूद इन चीजों को स्वीकारा नहीं जा रहा है। और महिलाओं को जागरूक करने के लिए केंद्र के द्वारा महिला मरुदरा मंच के नाम से महिला सम्मेलन चल रहे हैं जगह जगह पर, और जोधपुर प्रांत में अब हमारे लगातार पिछले दिनों बीकानेर में हुआ, अब उसके बाद में जोधपुर में हुआ, अब 1 अक्टूबर हमारे नागौर में ये तारीख निश्चित की गई है, महिला सम्मेलन किया जाएगा। उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारी ये कोशिश है कोई घर वंचित ना रहे, हर घर से महिला मातृशक्ति इस प्रोग्राम में अवश्य आए। तो अभी देश भर की स्थितियों को देखते हुए अभी देश भर में महिलाओं के सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं, कई समस्याएं, कई सारी शक्ति मिलकर इन सारे सम्मेलनों का आयोजन कर रही है, वह समाज की संस्थाओं द्वारा मिलकर इनका आयोजन किया जा रहा है। इसमें अन्य संगठनों का भी सहभागिता है, कैसा हो कि उनकी सामाजिक जीवन सहभागिता कैसे बढ़े। और वास्तव में हमारे भारतीय दृष्टि जो महिलाओं के सहभाग की है, हमारे चिंतन में, हमारे मंथन में, उनके संदर्भ में भी एक मंथन इन कार्यक्रम के द्वारा हो रहा है, उसको भी काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। वह महिलाओं से जुड़े भिन्न भिन्न मुद्दों पर भी यहाँ चर्चा होगी। देश में विभिन्न प्रकार के वैचारिक मुद्दों पर अलग अलग विषय समय समय पर आते रहते हैं, मूलभूत देश के बारे में, धर्म के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे भूतकाल के बारे में व हमारे भविष्य काल के बारे में कई विषय आते रहते हैं। और इस पर स्वाभाविक है कि हमारे देश में विभिन्न विचार हो सकते हैं, परंतु सत्य के आधार पर व तथ्यों के आधार पर इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। इसी के तहत जोधपुर प्रांत में भी मरुदरा महिला मंच के नाम के कार्यक्रम हो रहे हैं। कार्यक्रम की इसी कड़ी में नागौर विभाग में भी मरुदरा महिला मंच का कार्यक्रम आगामी 1 अक्टूबर को रविवार को शारदा बालिका निकेतन में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें नागौर विभाग में नागौर जिला, मेड़ता जिला व डीडवाना जिला, यह विभाग का कार्यक्रम है, इसमें तीनों जिले शामिल है। वह खंड स्तर तक भी हमारा प्रयास है और लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि खंड से अधिक संख्या में मातृशक्ति यहाँ पहुंचे, वह उनकी सहभागिता, उन्हें भी इस बारे में जानकारी हो कि देश की क्या स्थिति है, इनसे कैसे उभरा जाए। वर्तमान जो परेशानियां चल रही है, चाहे लव जिहाद की कहें, चाहे धर्म से संबंधित कहें, तो इन सब के बारे में सशक्त होकर ही इन समस्याओं का हम समाधान निकाल सकते हैं। इन सारी समस्याओं को देखते हुए ही यह निर्णय लिया गया है कि इन सब का रास्ता कैसे निकले। तो इस मंच के द्वारा, महिला सम्मेलनों के द्वारा मातृशक्ति को जगाकर और इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है।
मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, ये जो महाराष्ट्र आप कर रहे हो, इसमें आपकी मुख्य वक्ता कौन है, कहाँ से कौन कौन लोग आ रहे हैं वहाँ से बतौर अतिथि? बतौर अतिथि हम ये जो महिला समन्वय जो है और अन्य संगठनों से भी सारी मातृशक्ति अखिल भारतीय लेवल तक की भी हमारी चेष्टा रहती है कि मतलब जो आराम से एक्सप्लेन कर सके इन सारी समस्याओं को, महिलाओं की समस्याओं का समाधान, उनके सवालों का उत्तर उनके लेवल तक जाके दे सके ऐसे अतिथि बुलाने का हमारा एक विषय क्या रहेगा जिस पर सभी एक मत रहेंगे, एक इस विषय पर तो चर्चा होगी वो महिला जागरूकता, महिला शक्ति समागम, महिलाओं को जागरूक करके उनके बारे में। इसी कार्यक्रम के दौरान बीच में एक और नया कंसेप्ट हस्तशिल्प से जुड़ा हुआ है, उसकी जानकारी भी आपको। नमस्कार, मरुतरा महिला मंच का कार्यक्रम मातृशक्ति समागम 1 अक्टूबर को नागौर शारदा बालिका निकेतन में रखा गया है। मातृशक्ति समागम का विषय भारतीय चिंतन में महिला की स्थानीय समस्या, स्थिति एवं समाधान, भारत विकास में महिलाओं की भूमिका का मंथन किया जाएगा। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा हस्तकला उत्पादों की स्टॉल का आकर्षित का केंद्र रहेगा और इसमें जो लेडीज ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ से काम करती है, चीज़ बनाती है, उसी का ही स्टॉल लगाया जाएगा, उसी की ही स्टॉल रखी जाएगी। जैसे लेडीज आजकल खाखरा, पापड़ बड़ी, राखी बनाने का काम, लड्डू गोपाल की ड्रेसेस वगैरह का बहुत काम चल रहा है, तो उन लेडीज को ही स्टॉल लगाने दी जाएगी और वही आकर्षण का केंद्र रहेगा। और इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत अच्छा होगा और वो कार्यक्रम भी ऐसा है कि प्रेरणादायक रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई फिल्मी है या वो है, ऐसा नहीं है। बच्चों को इससे एक संकेत मिलेगा कि हमें कैसे संस्कार मिले, कैसे वो, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। और नागौर में ये कार्यक्रम पहली बार हो रहा है, महिलाओं को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, कैसे समस्याओं से बाहर निकले, घर की समस्याओं का निवारण कैसे हो, इससे भी जो हमारे अतिथि आएंगे वो इनकी समस्या का समाधान करेंगे, ऐसा ही हमारा प्रयास रहेगा कि उनको संतोषजनक उत्तर मिले। इसलिए हमने बहुत ही प्रेरणादायक लोगों को ही बुलाने का निश्चय किया है और ये कार्यक्रम नागौर में महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। इसमें ऐसा नहीं कि हम खुद गए हैं डोर टू डोर गए हैं टिकट के लिए, तो ऐसा नहीं कि किसी ने भी मना किया है, हर औरत बाहर निकलना चाहती है और हर किसी ने ही टिकट खरीदा है। तो यहाँ पे नागौर में इतना सोचा नहीं था जितनी हमारे पंजीकरण हो गया है, तो लगभग 1500-2000 के करीब करीब यहाँ पे महिलाओं का पंजीकरण हो गया और ये सब कार्यक्रम महिला ही देख रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का सहभागी रहेगी और आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया हो और प्रेरणादायक। इस कार्यक्रम में कुछ आकर्षण भी रहने वाले हैं, प्रेरणा जी आप बताएंगे कि कौन सी झांकियां बनने वाली है, कौन सा सजीव रूप दिया जाए कार्यक्रम में। हमने एक सजीव झांकी का एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सोचा, जिसमें नागौर मतलब विभाग या नागौर जिले में जो अपने आदर्श रहे, जैसे कर्मा भाई, मीरा भाई, झांसी रानी, मतलब 4-5 सजीव झांकियां हम लोग तैयार करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपने भारतीय संस्कृति को प्रस्तुत करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, ऐसा करके 3-4 छोटे छोटे कार्यक्रम है और उन्हीं बीच 4-5 घंटे का हमारा मरुधरा मंच करके कार्यक्रम रहेगा। व्यवस्था है और पंजीकरण भी हमने न्यूनतम शुल्क रखा है ताकि महिलाएं यस करके उसकी भी व्यवस्था होगी। उसके लिए अभी तक तो लगातार मातृशक्ति लगी हुई है पंजीयन के लिए, वो हम आज स्टॉप कर देंगे महिलाओं का पंजीकरण। अब एक ही जगह काउंटर रखेंगे अभी इसका, वो लास्ट तक चलेगा, वो तो जहाँ प्रोग्राम होगा वही ढाई 3000 तो टिकट भी दे दिए आपने, तो दे चुके हैं वो आप, 1500 टिकट पे पहुंच गए, वितरण हो गया नागौर नगर के अंदर 1500 से चुके हैं और बाहर जो है कम से कम 750 के करीब हमारे खंड स्तर तक हमारा काम है।
जो खंड स्तर तक कम से कम 750 वहाँ पहुँच चुकी है। बेसिकली जो महिलाएं जैसे गृहणियां तो हैं, लेकिन वो अपनी उस भूमिका के अलावा भी कुछ करना चाहती हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का अवसर, ये मंच ये बन रहा है, रुचि रहती है, कुछ समय देना चाहते हैं समाज में, क्योंकि आधी आबादी है, इस कारण से उनका रोल कम नहीं हो सकता किसी भी दृष्टि से। तो उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके उनको हम निकालने के लिए यही कहते हैं अपना ये सब्जेक्ट रहेगा, उसके अलावा देखो ये भी आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं, यूं करके तो निकलेंगे, एक बार निकलेंगे तो मुस्लिम का बुलंद होगा। तो ऑटोमेटिकली सत्र में एक चीज और रखी गई है कि प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जो औरत अपना प्रश्न रखेगी उसका भी उत्तर उसको संतोषजनक मिलेगा। बिल्कुल राइट, समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। जैसे वो भी कृष्णन की बता रहे थे सेल्फी पॉइंट रखे हमने, जैसे चंद्रयान का है और अमर जवान ज्योति है और धार्मिक भी है उसके अंदर, इस तरह से कम 4-5 सेल्फी पॉइंट रखे। सही राइट।